अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फोन रखो आप। हाँ, मैडम कौन सा रूम नंबर है बेटा? 20 ऊपर चढ़ के जाना है तो ये एक एमबीजी लेटर। क्या बोल रहे हैं? आप एग्जाम देने आए हैं, शादी भी आ जा रही है, पहले आपने मतलब अपने एग्जाम को प्राथमिकता दी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एग्जाम जरूरी है, शादी तो भले लेट भी हो जाएगी तो वो भी चलेगा मेरे को। कौन सी एग्जाम देने आए? अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर है एमबीए का, फाइनेंस। आपकी शादी कहाँ पे? और उज्जैन नागझिरी सुमन पैलेस में। हाँ, आज ही शादी आपकी? आज ही शादी है। तो क्या आपका परिवार से मतलब परमिशन नहीं, नहीं है? परमिशन दोनों तरफ, दोनों पक्षों से परमिशन है। और भी पेपर एग्जाम चल रही है? हाँ, अभी है, फर्स्ट पेपर है मेरा, एक 8 तारीख को है और एक 10 को है। मतलब शादी के बाद भी आप? शादी के बाद भी एग्जाम देना है। काय का एग्जाम है? अभी मेरा थर्ड सेमेस्टर है एमबीए। क्या क्या मानते हैं आप? एक आपने एक मिसाल कायम करी शादी के दौरान, शादी आपकी और आप पेपर देने आए, क्या बोलना चाहेंगे इस बात पे? मैं तो ऐसे क्या बोलूं, मेरे को पहले पढ़ाई ज़रूरी है, शादी तो थोड़ा लेट भी हो जाएगी तो वो भी चलेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को? आने वाली जनरेशन को ये देने चाहूँगी कि पहले करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी आप करियर को दो, शादी तो हो जाएगी। अच्छा, आपके एग्जाम थे तो क्या इसके अलावा का जो आपके ससुराल पक्ष है और जो आपका पैर पक्ष है, दोनों से बात करी थी कि परीक्षा मेरी और मेरे को आपको जाने की इजाज़त दी जाए? नहीं, वैसे तो उनने बोल दिया था, परमिशन तो थी मेरे को कि आप जा सकते हो, बारात लेट लेके आ जाएंगे हम लोग, तो जा सकते हो। आपके जीवन साथी ने भी इसमें? हाँ है, वो है, सपोर्ट में ही है, वो भी सपोर्ट में है कि आप जाओ एग्जाम देने, सपोर्ट में है वो। आपका परिचय? मेरा नाम पूर्णिमा सोलंकी है, मैं देवास से हूँ। ठीक है।